जी मोहम्मद नदीम, आपकी स्क्रीन ना हम देखते हैं, पहले ज़रा इनका देख लें, उसके बाद आपकी तरफ आते हैं। हो गई जी सर। जी आपकी स्क्रीन शेयर हो चुकी है। अच्छा सर, ये कोड नजर आ रहा है सर? जी सर, ये लाइन नंबर 39 सर। शहजाद उस्मान, आपने जो है ना ये नहीं शेयर किया, अपना होस्टिंग वाला लिंक शेयर नहीं किया आपने, तो ये गलत लिंक शेयर कर दिया, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। शहजाद उस्मान, आपने लिंक जो भेजा है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। अच्छा, इस लाइन में आपके पास क्या प्रॉब्लम आ रही है? सर मैं दिखाता हूँ सर, ये कोड डालते हैं ना सर, ये दो एरर आ रहे हैं। अच्छा, चेक पिन इज़ नॉट डिफाइंड लाइन नंबर 11। तो पहले तो लाइन नंबर 11 में आ जाएं आप, चेक पिन। ये वाली सर। अच्छा, ये जो नाम आपने लिखा है ना कि ऑन सबमिट पे ये चेक पिन के नाम का एक फंक्शन चलेगा, ये इस नाम का कोई फंक्शन मौजूद नहीं है, बना हुआ नहीं है। इस पर ज़रा डबल क्लिक कीजिएगा चेक पिन पर और कंट्रोल एफ दबाइएगा, सिर्फ सिर्फ चेक पिन पे, सिर्फ चेक पिन, सिर्फ चेक पिन पे। अच्छा सर, चेक पिन को डबल क्लिक करेंगे ना सेलेक्ट हो जाएगा, फिर कंट्रोल एफ करेंगे तो आपको जहाँ जहाँ चेक पिन होगा वो दिखा देगा। ये सर, हाँ कंट्रोल एफ करें, कंट्रोल एफ, कंट्रोल एफ, कंट्रोल एफ हो गया सर। अब देखें, ये बता रहा है कि दो जगह पे है ये चेक पिन, लेकिन ये मिल क्यों नहीं रहा? हाँ, ये इसलिए नहीं मिल रहा कि यार तो मिलना तो चाहिए। आपका कोड ज़रा ना इंडेंट नहीं हुआ हुआ, राइट क्लिक करके अप इन फॉर्मेट डॉक्यूमेंट में क्लिक कीजिएगा, राइट क्लिक करें कोड के दरमियान में, राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, यहाँ पे सर। हाँ हाँ, अब आपका कोड ना ये सीधा हुआ है, पहले बिल्कुल आगे पीछे हुआ हुआ था। फंक्शन तो बना हुआ है यार, सेव कीजिएगा कोड को, ज़रा सेव करके आहिस्ता आहिस्ता स्क्रॉल करें नीचे की तरफ, नीचे भी एक रेड लाइन बनी हुई आ रही है, पहले तो वहाँ पे चलें, वहाँ कोई इशू सर, ये 39 पे है सर। हाँ चलें वहाँ पे आ जाएं, क्योंकि यहाँ तो कोई इशू नहीं है, लाइन नंबर 11 पे तो है वो बना हुआ फंक्शन। ये 39 पे फॉर्म है ना सर, यहाँ पे। अच्छा तो ये, अच्छा ये इसलिए आ रहा है कि फॉर्म जो पूरा है ना, ये लाइन नंबर 41 से लेके 44 तक, ये स्ट्रिंग में आपको लिखना था, बैक टिक वाले स्ट्रिंग में आप इसको लिख दें, सही हो जाएगा। ये फॉर्म के टैग से पहले लाइन नंबर 41 के बिल्कुल शुरू में बैक टिक लगा दें, यहाँ पे सर। हाँ, बैक टिक, बैक टिक हो गया सर, और लाइन नंबर 44 के आखिर में बैक टिक लगा दें, 44 के आखिर में, ये 43 था, लगा दिया, 43 था, ये 43 है सर। हाँ, अब ये वाला चला के देखें, इसको ज़रा सेव करें, सेव हो गया सर। इसको रिफ़्रेश करना होगा, रिफ़्रेश नहीं किया आपने, कंट्रोल आर, कंट्रोल आर से रिफ़्रेश हो जाता है, F5 से भी हो जाता है। ठीक है सर, हो गया सर। अब चल गया सर। सर ये कैंडली बैक टिक का बता देंगे सर, इसका मकसद क्या था, फंक्शन क्या था, यानी कि ये क्या वर्क करता है सर? असल में ये चक्कर ये था कि आपका जो इनर HTML है ना, इनर HTML में आपको स्ट्रिंग देना होता है, स्ट्रिंग के अलावा आप कुछ और नहीं, अब ज़रूरी नहीं है बैकटिक लगाएं, आप इसमें सिंगल कोट लगाएंगे, डबल कोट तो वो भी वर्क करेगा, लेकिन बैकटिक नया वाला है ना, तो हम ये वाला यूज़ करेंगे इसलिए। तो इनर HTML के आगे ना, जैसे आप देखें लाइन नंबर 38 में, आप देखें इनर HTML लिखा है इक्वल्स टू, और उसके बाद एक आपने स्ट्रिंग दिया है, स्ट्रिंग पास किया है, तो इसी तरह स्ट्रिंग पास करना होता है इनर HTML को।
ठीक है सर, ये वाला सर हाँ इस देखिए तरह। ना, आप इनर एचटीएमएल के आगे स्ट्रिंग है, तो इसी तरह फिर लाइन नंबर 41 में भी आपको स्ट्रिंग देना होगा। अब बिल्कुल ठीक है सर, समझ गया, सही सही। अच्छा जी, अब हमारे पास मोहम्मद नदीम जी। मोहम्मद नदीम, ज़रा आप शेयर कर दें अपनी स्क्रीन। मैं क्लोज करता हूँ सर। अच्छा जी, हानिया शुजा, आपने जो बनाया है लिंक जो आपने भेजा है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। इसमें होस्टिंग वाला लिंक आपने भेजना था, राइट? तो हानिया शुजा, ये आपने जो भेजा है ये एक्सेप्टेबल नहीं है लिंक। अगर आपको समझ नहीं आ रही कोई चीज़ तो आप पूछ सकती हैं। अच्छा, ये जो हसान शान ने भेजा है ना, ये सही भेजा है, ऐसा वाला चाहिए। सर उसमें एक एरर है, मैं आपको शेयर कर लूँ स्क्रीन? हाँ शेयर कर दो। राइट, जी जी नजर आ रहे सर जी। अच्छा मैं अगर पिन डालूँ ना, पिन तो एक्सेप्ट हो रहे सही सर, तो यहाँ से जैसे मैं मनी विड्रॉ करने चाहता हूँ और नया बैलेंस दिखाना चाहता हूँ, उसे पूरा पेज रिफ्रेश हो जाके वो सब कुछ फिर गायब हो जाता है। हाँ कोड में जाइएगा अपना जी, एक सुनिए। ये जो है वो विड्रॉ वाली फंक्शन में है यहाँ पे। अच्छा, विड्रॉ वाला फंक्शन ज़रा दिखाइएगा, जो ऑन क्लिक ऑन सबमिट पे जो विड्रॉ फंक्शन चल रहा है ना, जी वो तो ये है सर, वो जैसे ये वो है ना। ओके तो। अच्छा, आई थिंक के आपके विड्रॉ वाले फंक्शन में ना कोई एरर है सम टाइम। जैसे जब आप लाइन नंबर 45 पे आप देखें ना, ऑन सबमिट के ऊपर जब आपने चलाया हुआ ना विड्रॉ, और उसके आगे लगाया हुआ रिटर्न फॉल्स, तो अगर विड्रॉ के फंक्शन में कोई एरर आ जाए ना, तो ये रिटर्न फॉल्स तक पहुँचता ही नहीं है ना, तो नतीजे में क्या होता है कि वो पेज रिफ्रेश हो जाता है आपका, ठीक है। अच्छा, तो विड्रॉ के फंक्शन में जो एरर है वो भी ज़ाहिर है, पेज रिफ्रेश हो जाता है तो वो भी आपको नज़र नहीं आता। तो आप अपने कॉन्सोल पे जाइएगा गूगल क्रोम के, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। अच्छा, यहाँ पे ना एक छोटा सा सेटिंग का बटन आ रहा है राइट साइड पे, बिल्कुल क्रॉस के बटन के नीचे, डेवलपर कॉन्सोल के अंदर राइट साइड पे एक नीचे वाला जी, दो सेटिंग के बटन आ रहे हैं, एक ऊपर एक नीचे, एक बिल्कुल टॉप पे है जहाँ जिस लाइन में कंसोल लिखा हुआ है उस लाइन में। हाँ ये वाला, यस, प्रिजर्व लॉग पे चेक लगा दें। हाँ नॉट दैट वन, प्रिजर्व लॉग, बाकी सबको डिफॉल्ट पे ही रहने दें। अब अपना पेज ज़रा रिफ्रेश करें आप। अच्छा सही है, अब ज़रा उसको चलाएं तो वो एरर आपको शो हो जाएगा जो भी है। विड्रॉ इज़ नॉट डिफाइंड, ये विड्रॉ की स्पेलिंग कोई चक्कर हो गई है शायद, विड्रॉ तो कह रहा है डिफाइन ही नहीं है। नाम फंक्शन का सही है, विथड्रॉ है तो सही, नाम तो सही लिखा हुआ है यार आपने, ये क्या चक्कर है फिर। लाइन नंबर ज़रा देखिएगा विड्रॉ पे, लाइन नंबर क्या है मेंशन किया हुआ है उन्होंने। परमिशन पॉलिसी हेडर, यहीं से ज़रा कीजिएगा क्लिक इस पर जो लाइन नंबर बता रहा है, और क्लिक करें यहीं इसी पे जो आपने हाथ रखा था यहाँ पे वही। यार मुझे कुछ और भी गड़बड़ लग रही है आपके ना कोड में, या एक दफ़ा ज़रा इस फाइल को ना बंद करके ज़रा दोबारा से ओपन कीजिएगा, ये फाइल पूरी टैब बंद कर देंगे वाला आप। अच्छा दोबारा से लिंक पे क्लिक करके इसको ओपन करें।
अब जरा खोलें कंसोल, कंसोल पे आप खड़े हैं ना, आप करें जरा, ये क्या चीज़ आ रही है, अनचेक रन टाइम डॉट लास्ट एरर पोर्ट वाज नॉट क्लोज। ये आपने कोई शायद एक्सटेंशन किया हुआ उसकी वजह से आ रहा है। खैर सही है ये एक्सटेंशन है कोई। अच्छा अब अमाउंट विड्रॉ करें जरा, यार पेज अभी भी रिफ्रेश हो रहा है ना आपका? हाँ पेज तो रिफ्रेश हो रहा है अभी भी। और अब ये कह रहा है अनकॉच एरर विड्रॉ इज नॉट डिफाइंड एट एच टी एम एल फॉर्म डॉट ऑन सबमिट। अपने अपने मुझे गिटहब की रिपॉजिटरी का ज़रा लिंक दीजिएगा, मैं आपका ना रिपॉजिटरी क्लोन करना चाह रहा हूँ अपने पास। जी सर, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या चक्कर है। जी सर, हाँ मेरी स्क्रीन शेयर्ड है, मेरी स्क्रीन शेयर्ड नहीं है ना, अब मैं शेयर कर रहा हूँ अपनी, तो मैं स्टॉप कर दूँ। अच्छा ये था ना, बाकी मैं बंद कर रहा हूँ। यार होस्टिंग का इसके लिंक इधर पेस्ट नहीं किया हुआ तुमने, ये पेस्ट कर दो। हाँ, मैं भी कर दूंगा सर। अच्छा जी सर, हो गया। विड्रॉ की स्पेलिंग बिल्कुल सही है, फंक्शन विड्रॉस। अच्छा होस्टिंग का लिंक आपने पेस्ट कर दिया है, तो ये अब खोल लेता हूँ मैं। इंस्पेक्ट एलिमेंट, और मैं चला गया कॉन्सोल पे, ठीक है। और चेक हो गया पिन, और मैंने कहा 500 अनकॉच रेफरेंस एरर विड्रॉ इज नॉट डिफाइंड। ऐसा क्यों हो रहा है, कोड तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है आपने। सर मेरे पास भी सेम प्रॉब्लम आ रहा है, ऑन सबमिट उसको मिल नहीं रहा, विड्रॉ नहीं मिल रहा। विड्रॉ का फंक्शन जी सर, विड्रॉ का फंक्शन ये है, और चेक पिन का फंक्शन ये है। अच्छा तो मैं इसको पूरे को कॉपी करके ना अपने पास ले आता हूँ, मैं अपने पास खोल लेता हूँ VS Code, और इसमें खोल लेता हूँ मैं आपकी क्लास। और मैं यहाँ पे बना लेता हूँ एक
यहाँ पे ये सारा कोड मैंने पेस्ट कर दिया। यहाँ पे मैं आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता हूँ कि ये क्या चक्कर है। ये कोड को मैंने क्या कर दिया, फॉर्मेट कर दिया। ऑन सबमिट भी सही है, सब कुछ सही है यार। ये आपने असल में जो विड्रॉ का फंक्शन बनाया ना, ये आपने बना दिया है उसके अंदर। इसको यहाँ से कट करके मुझे लाना पड़ेगा बाहर। ये अब सही हुआ है आपको कोड। ये विड्रॉ का फंक्शन और ये फंक्शन ना, ये दो अलग अलग फंक्शन है। तो फंक्शन के अंदर अगर कोई चीज़ बनी हुई हो ना, तो वो फंक्शन से बाहर मिलती नहीं है, इसलिए उसको विड्रॉ का फंक्शन मिल नहीं रहा था। अब इसका मैं कॉपी पास करके चलाऊंगा तो ये बिल्कुल सही चलेगा। अच्छा, पेज अभी भी रिफ्रेश हुआ है बाय द वे, पेज अभी भी रिफ्रेश हुआ है। अब इसने कोई दूसरा एरर दिया है बाय द वे, कैन नॉट सेट प्रॉपर्टीज ऑफ नल इन आर HTML। लाइन नंबर 90 में ये कह रहा है कि एक एरर है भाई। ये जो होम स्क्रीन है ना, इस नाम से कोई एलिमेंट इसको नहीं मिल रहा। होम स्क्रीन के नाम से कोई एलिमेंट नहीं है कह रहा है ये। वो डिस्क के, वो तो डिस्क है सर, उसमें नहीं आ सकता क्या ना? अभी देखते हैं ना वो किस नाम से है। तो सही, होम स्क्रीन के नाम से है तो सही। और इसको ये नल क्यों मिल रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? आईडी है होम स्क्रीन। ओके ओके ओके, आपने ये होम स्क्रीन का एस कैपिटल किया हुआ है, नीचे स्मॉल है। तो यहाँ पे भी कैपिटल कर देते हैं तो ये अब सही हो गया। अब किसने कुछ और एरर दिया है, अब लाइन नंबर 90 में इसने एरर दिया है। ओके, अभी भी एरर वही है। ठीक है, चक्कर यार। होम स्क्रीन अब तो सही कर दिया हमने, होम स्क्रीन। अच्छा, तीसरी जगह भी दिखा रहा है, ये तीन जगह पे कह रहा है लिखा हुआ है ये। एरर तो लेकिन यहीं पर ही है, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर होम स्क्रीन न्यू बैलेंस, सही तो लिखा हुआ है। इसको मैंने रिफ्रेश नहीं किया शायद, इसलिए रिफ्रेश कर देता हूँ एक बार। वो रिफ्रेश नहीं किया था मैंने, इसलिए वो रिफ्लेक्ट नहीं हुई थी चेंजेस। ओके, तो दो एरर आपको मैंने आइडेंटिफाई करके बताया है, तो वो दोनों आप सही कर लीजिएगा। बिल्कुल सर, अभी हो रहा है। थैंक यू। अच्छा जी, मोहम्मद नदीम, मोहम्मद नदीम आप मौजूद हैं? सर मुझसे ना वो कोड पुश नहीं हो रहा था इधर, और ना ही ये आपने ना मोबाइल और उससे दोनों से लॉगिन किया हुआ है क्या? मोहम्मद नदीम, आपने क्या मोबाइल और कंप्यूटर दोनों से अगर लॉगिन किया हुआ है ना, तो आप एक से ख़त्म कर दें। ये दोनों से करने की वजह से होता है, आप दो आपके अकाउंट शो हो रहे हैं इधर। और माइक आपका मैंने बंद कर दिया, तो दोबारा से माइक आपको ओपन करना पड़ेगा। जी नदीम सर, सर लैपटॉप में जो माइक है उसका इशू है।
यार अब लैपटॉप में माइक का इशू होता तो ये फिर इस तरह होता ही नहीं। लैपटॉप का माइक तो मुझे सही लग रहा है आपके बिल्कुल। आप एक काम करें ना, एक डिवाइस का माइक और स्पीकर दोनों बंद कर दें और दूसरी डिवाइस से आप बात करें। एक डिवाइस का माइक और स्पीकर दोनों बंद कर दें आप और फिर आप दूसरी डिवाइस से माइक ओपन करें। सर इनर HTML में अगर हम एक न्यू लाइन में एक लाइन स्टार्ट करना है तो उसके क्या कोई शॉर्ट कोई हाँ वही सिंटैक्स है? बी आर करके आप करेंगे, HTML जो है ना, बी आर का वो लगा देंगे आप। जी थैंक। अच्छा जी, अब मेरे ख्याल है नदीम तो मौजूद नहीं है अभी, अब किसी और ने भी हैंड रेस किया हुआ था, कौन था वो? मेरे ख्याल है, अच्छा वो शो अक्सा अब्दुल कादिर जी। सर मेरे उसमें ये इशू आ रहा है कि इनकरेक्ट भी शो रहा है जब जब मैं गलत पिन डाल रही हूँ। अगर मैं कम डिजिट्स की डाली हूँ तो भी शो रहा है, लेकिन जब मैं सही भी लिख रही हूँ ना तब भी वो शो कर रहा है दैट इनकरेक्ट। कैन आई शेयर माई स्क्रीन? हाँ शेयर करते हैं, जरा देख लेते हैं। जैसे ये रहा यहाँ पे खुला हुआ है, हाँ मैंने खुला हुआ था। अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ 5112 जो पहले तो भी ये शो कर रहा है इनकरेक्ट पिन, मैं 1234 लिख रही हूँ तब भी इनकरेक्ट पिन। अगर मैं 1 लिखती हूँ तो इट शोज के यू एंटर यू मस्ट एंटर 4 डिजिट नंबर। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो 5112 पे ये रिएक्ट क्यों कर रहा है, हालांकि मेरा जो कोड था उसमें मैंने ये लिखा हुआ है कि इफ यूजर पिन इज इक्वल टू 5112 तो इट शुड बी। अच्छा डॉट लेंथ आपने लगाया हुआ ना अगर यूजर, डॉट लेंथ है तो फिर इसको भी इनकरेक्ट शो होना चाहिए था ना, या इसमें भी गड़बड़ होनी चाहिए थी? नहीं तो लेंथ तो देखें, असल में लाइन नंबर 43 में आपने जो लिखी है बात, वो ये लिखा है कि अगर यूज़र इनपुट जो यूज़र ने दिया है उसकी लेंथ अगर क्या हो जाए 5112 हो जाए तो ये करेक्ट कहेगा। और दूसरे वाले में आपने 48 में कहा है कि यूज़र ने जो इनपुट दिया है उसका लेंथ अगर हो नॉट इक्वल टू हो 5112 के, मतलब 5112 जितना नहीं हो लेंथ, उससे कम या ज़्यादा हो तो बता दो कि इनकरेक्ट है। तो वो तो ज़ाहिर है 4 है ना लेंथ, तो ऑब्वियसली ये 48 वाला जो है वो ट्रू हो रहा है हर दफ़ा। यानी डॉट लेंथ की जगह वी विल राइट समथिंग डिफरेंट? नो नो, वी विल जस्ट राइट यूजर इनपुट, लेंथ लिखने की जरूरत ही ओके नहीं है। मैं नीचे वाले में भी ऐसा ही होगा। और ये 5112 हमें लिखना पड़ेगा स्ट्रिंग में, नीचे और ऊपर दोनों जगह। अब इसको चला कर देखें। हानिया शुजा, ये जो आपने लिंक भेजा है मुझे, इसमें होस्टिंग का लिंक नहीं लगा हुआ है। हानिया शुजा, ये जो आपने लिंक भेजा है ये एक्सेप्टेबल नहीं है, होस्टिंग वाला लिंक भेजना था। जी अक्सा, चल गया आपका? जी जी थैंक यू। चले अच्छा जी। अच्छा अक्सा, आपने भी अभी तक वो होस्टिंग वाला लिंक यहाँ पे शेयर नहीं किया अपने असाइनमेंट का। आपका असाइनमेंट कंप्लीट हो गया ना यार, बचा हुआ है अभी कुछ? इसमें अब थोड़ा सा बचा हुआ है क्योंकि वो इनकरेक्ट और करेक्ट का काफ़ी इशू आ रहा था ना। सही है, बट आई विल अपलोड टुडे तक, क्योंकि अब तो समझ आ गई है। अपलोड टुडे नहीं, अभी करेंगे, आपको क्लास आज की क्लास में ही सबमिट करवाना है वरना आप एलिमिनेट हो जी। जाएंगे। नहीं नहीं मैं अभी करती हूँ इसको करके। जी मोहम्मद नदीम, आपका माइक बंद है। जी सर आवाज़ आ रही है? जी आवाज़ आ रही है आपकी। जी सर, इसमें इशू ये आ रहा था कि जो मैंने ये कोड लिखा है ना सर, इसमें कुछ एरर तो नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन सर जब मैं पुश करता हूँ ना गिटहब पर तो उस पर लिंक नहीं बन रहा।
दिखाएं मुझे ज़रा, नहीं पुश हो रहा है। अच्छा मुझे करके दिखाएं ज़रा कहाँ पे प्रॉब्लम आती है आपको। सर ये वाला जो एटीएम वाला प्रोजेक्ट है ना, इस पे ये वाला सर, इसमें सर कोड पुश नहीं हो रहा सर। ठीक है, कैसे कर रहे हैं कोड पुश ज़रा मुझे करके दिखाएं ना। सर ये वाला जो है ना, ये गिटहब वाला, इस पर मैंने सर इसमें आपने गलत खोला है सर, ना, ये इसमें आपने जो सीएमडी गलत खोला है, बंद करें इसको, जी दोबारा से एड्रेस बार पे क्लिक करें। पहले तो अपने ये फुल स्क्रीन करें ना, इस फोल्डर वाली जगह को फुल स्क्रीन करें। जी एड्रेस बार पे क्लिक करें, इसको सब मिटा दें जो भी है यहाँ पे, सीएमडी लिख के और एंटर प्रेस करें। जी सर अब आ गया, अब सही खुला है ये, पहले ये सिस्टम 32 में खुल गया था। जी 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 सर, इसमें अब गिट ऐड की कमांड देनी है ना सर। हाँ वो जो सारी कमांड्स मैंने बताई हैं वो एक एक करके लिखना शुरू करें, तो जहाँ पे आप जो मैंने जी सारी, सर वो मैंने की है, लेकिन सर ये मसला है, ये डज नॉट हैव अ कमिट। जी यार ये तो बड़ा अजीब सा एरर है आपके पास जो आ रहा है, ये मैंने पहली बार देखा है। अच्छा डज नॉट हैव अ कमिट चेक्ड आउट, क्या न्यू रेपोजिटरी बना सकता हूँ इसके बाद जो मैंने मतलब गिट इनिट करना है और इस पे लिंक जो गिटहब का लिंक है वो ऐड करके इस पर एंटर कर दूँ, ये कमांड चल जाएगी सर? आप ये करें कि आप पहले तो मुझे वो रिपोजिटरी का ना नया क्लोन ले लें आप, पहले बात तो जो खाली रिपोजिटरी है ना, एम्प्टी रिपोजिटरी है, उसका नया जी, क्लोन जी. ले लें जी, ये मतलब अब न्यू बनाऊँ मैं? नहीं इसका क्लोन ले लें, नया इसका नया क्लोन लें, इसका लिंक कॉपी करें। जी लिंक कॉपी हुआ है सर। और अब जाएं ज़रा किसी भी एक नई लोकेशन पे जाएं, डेस्कटॉप पे नहीं किसी और जगह आप करें, क्योंकि यहाँ पे तो नहीं होगा ना, ये कहेगा पहले से हुआ होगा, किसी और फोल्डर में करना होगा आपको। डॉक्यूमेंट्स पे चले जाएं, डॉक्यूमेंट्स में चले जाएं, यहाँ पे बना लो सर। यहाँ पे टर्मिनल ओपन करें, यहाँ पे ओपन गिट बैश हेयर भी करेंगे ना उससे भी हो जाता है, सही है, यहाँ पे एड्रेस बार पे भी क्लिक कर सकते हैं और ओपन गिट बैश हेयर करेंगे उससे भी हो जाता है, जो राइट क्लिक करके ओपन गिट बैश आता है ना, हाँ यहाँ पे खाली जगह पे राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करें जिधर आपका माउस खड़ा है, ये ओपन गिट बैश हेयर लिखा हुआ है ना, जी ये भी इस ये भी सही है, इससे भी आप कर सकते हैं, इसको फुल स्क्रीन ना करें, हाँ चलिए लिखें यहाँ पे गिट क्लोन और वो पेस्ट करें यूआरएल, गेट क्लोन की स्पेलिंग गड़बड़ कर दिया आपने, सी एल ओ एन ई, कंट्रोल शिफ्ट वी से पेस्ट होगा इसमें, कंट्रोल शिफ्ट वी नहीं हुआ, चलें राइट क्लिक करके पेस्ट कर दें, वो आप देख लीजिएगा कैसे होता है पेस्ट, राइट क्लिक करके पेस्ट कर दें जी सर, एंटर। जी सर वो प्रोटोकॉल HP इज नॉट सपोर्टेड सर, वो आपने वो डबल डबल HTTP लिख दिया ना इसलिए हुआ ये, गिट क्लोन की कमांड आप दोबारा से लिखें, गलत लिखी है आपने। गिट क्लोन पेस्ट राइट क्लिक एंटर, जी इसमें स्लैश तो नहीं डालने सर? नहीं बस सही है जो पेस्ट हुआ है ना वो उसी को एंटर करना। जी अब ठीक हो गया सर, क्लोनिंग अब CD करके इसके अंदर जाएं, ATM CD करके ATM के फोल्डर के अंदर जाएं, जैसे मैंने बताया था CD इस करके इस फोल्डर के अंदर जाएंगे ना आप, जी जी आ जाएं, टैब थोड़ा सा नाम लिख के टैब दबा दें सर, इसमें इस कैपिटल और स्मॉल का मसला तो नहीं बनता? विंडोज़ में नहीं होता कैपिटल स्मॉल का मसला। जी अब आप करें ना, आपने कैसे किया था वो
इसको वी एस कोड में खोलें, कोड उसके अंदर लिखें, अब पुश करें दोबारा इसको। वो जो सारे स्टेप्स मैंने बताए थे आपको तो याद हो गए होंगे ना, अब आपने इतनी दफ़ा किया है। जी जी इसमें एक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की फाइल बनाएं, अब यहाँ पे वो सारा एच टी एम एल का कोड आप लाके उधर से पेस्ट कर दें जो आपने पहले से ही लिखा हुआ है। ठीक है, फिर पुश हो जाएगा सर? पुश अभी अब करते हैं ना, देखते हैं होता है कि नहीं होता। जी ये तमाम कोड यहाँ से कंट्रोल ए करके सेलेक्ट करें और उधर ले जाएं इसको। ठीक है, पेस्ट हो गया सर। हाँ पेस्ट हो गया जी, पेस्ट हो गया सर। क्या इसका कलर थोड़ा डिफरेंट आ रहा है, क्या चक्कर है ये सर? कुछ सिस्टम स्लो चल रहा है सर इसमें। अच्छा, पुराना वाला वी एस कोड बंद कर दें। हाँ ये सही हो गया, पुराना वाला वी एस कोड भी बंद कर दें कन्फ्यूजन से बचने के लिए। ठीक है, ठीक है। अब इसी जो आपका जो अभी यहाँ पे अपने कोड पेस्ट किया है यहाँ पे सेव करें, सेव करें, टर्मिनल खोलें, पुश की कमांड सारी रन करें। जी सेव कर दिया सर, अभी इसका टर्मिनल ओपन करें। वीएस कोड में, वीएस कोड में ही करें ना ओपन यार, वीएस कोड में अंदर ओपन हो जाता है ना टर्मिनल। जी अब कौन सा नया वाला है आपका टर्मिनल, कौन सा पुराना वाला है सर? ये वाला नहीं है। हाँ बस इसके अंदर टर्मिनल खोलें ना, वी एस कोड के अंदर टर्मिनल नहीं खोलना आता आपको। वी एस कोड के अंदर आप दबाएंगे ना कंट्रोल प्लस बैक टिक, तो इसमें टर्मिनल ओपन हो जाएगा। कंट्रोल प्लस बैक टिक, कंट्रोल बैक टिक नहीं सर यार, बैक टिक का बटन दबाओ ना जो अलिफ मद्दा जिस पे लिखा हुआ है ना, जिस की पे, वो बैक टिक की होती है, एस्केप के बटन के नीचे। एस्केप? जी बिल्कुल, एस्केप है ना, ESC का बटन जो है उसके नीचे अलिफ मद्दा लिखा हुआ है, वो बटन है बैक टिक का, कंट्रोल प्लस बैक टिक। नहीं सर नहीं मिल रहा सर, राइट क्लिक करने पर नहीं आ सकता सर? ऊपर जाओ टर्मिनल लिखा हुआ है मेन्यू में ऊपर, उसमें से जाके कर लो। जी आ रहा नजर, न्यू टर्मिनल ओपन कर रहे हैं, ऐसे कर लो। जी हाँ ये आ गया ना, अभी इधर लिखो वो सारे कमांड। ये वही टर्मिनल है जो तुम अलग से खोलते हो ना, ये वही है ये। जी जी बिल्कुल ठीक हो गया सर, अब इसमें क्या करना है सर? इसमें करो वो गेट ऐड और गेट कमेंट और गेट पुश, तीनों कमांड लिखो। हानिया शुजा, ये जो आपने लिंक भेजा ये एक्सेप्टेबल नहीं है, होस्टिंग वाला लिंक भेजना है जैसे सब लोगों ने भेजा। होस्टिंग वाला कौन सा है मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मेरे पास ये तीनों से दो प्रोजेक्ट मैंने बनाए हैं, एक रह गया है वो भी मैं आपको सेंड कर दूंगी, कौन सा वाला है प्लीज मुझे गाइड करें। वो आपने ये तो CV वाले प्रोजेक्ट में मैंने बताया था ना होस्टिंग का लिंक कैसे बनता है, तो आपने वो बनाया था CV वाला प्रोजेक्ट? CV वाला प्रोजेक्ट नहीं बनाया सर, वो रह गया था, ये दो बना लिए जो अभी है क्योंकि वो क्लासेस भी मैंने मिस कर दी। अच्छा चले, इनके बाद में फिर आपका ये देखता हूँ गिट कमिट है बच्चा, गिट कमिट है, गिट क्लोन नहीं है भाई, गिट क्लोन नहीं है यार, इसको रिमूव करो ये कमांड, बैक स्पेस दबाओ। ठीक है सर,
सॉरी सॉरी मैं बता रहा हूँ, कमांड लिखो तुम, कमांड भी तुम्हें याद नहीं है। सी ओ सर गिट गिट कमिट, सी ओ डबल एम आई टी कमिट, जी 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 सर जी उसके बाद माइनस एम और उसके बाद आपका मैसेज। जी जी सर मैंने सर अपन मैसेज जो कोई भी लिख सकते हैं कोई सर। भी मैसेज लिख सकते हो यहाँ। अब एंटर कर सकते हैं। हाँ एंटर अब करोगे सम, अब करोगे गेट पुश। जी सर अब हो रहा है सर। करो गेट पुश करो। ओह शिट लिखो ना गिट पुश की स्क्रीन कमांड। शेयर हो रही है सर, स्क्रीन शेयर हो रही है, गिट पुश की कमांड तो लिखो। गिट पुश बस एंटर कर दो। जी अब न्यू ब्रांच में। जी जी हो गया सर। चलो बस अब तुम्हारा ये पुश नहीं हो रहा था, ये मसला हल हो गया और तुम्हें समझ में भी आ गया। अब तुम बताओ तुम कौन से स्टेप पे मिस्टेक कर रहे थे जो तुमसे नहीं हो रहा था। सर अब जी सर अब जो मैंने वो गिटहब पर जो रिपोजिटरी बनाई थी उसमें कोड नहीं आ रहा। कोड अब जा चुका होगा, जाके देखो, रिफ्रेश करो। इसको रिफ्रेश करते हैं। सही है, अब आगे का काम पता है ना तुम्हें क्या करना है। अब जी आगे जी का काम करो। मैं नहीं जब तक वो सर वाला सर वो मैंने लेक्चर नहीं लिया था इसलिए सर वो उसके जो अभी कमेंट आ रहे थे ना स्टूडेंट के कि उसको मतलब होस्ट कैसे करना है लिंक को, वो सर उसका नहीं पता चल रहा था। प्यारे बच्चे ये लिंक जो होस्ट करने वाला है ना, ये मैंने आपको बताया था सीवी का जब प्रोजेक्ट आपसे बनवाया था, और जी जी वो भी वो आपने बनाया था ना, उसमें होस्टिंग का लिंक जी कैसे जी जनरेट किया था। जी ठीक है सर, तो फिर मैं इसको जनरेट करके सर तुम्हारा आपको आज सेंड कर दूंगा। आपको आज नहीं, अभी क्लास ख़त्म होने से पहले आप सेंड करेंगे तो आप क्लास में रहेंगे, वरना आप एलिमिनेट हो जाएंगे। सही है, ये अभी ठीक करना है आपने। ठीक है ये ठीक सर मैं करता हूँ, क्योंकि देखें पिछली दो क्लासेस में हमने कुछ पढ़ा नहीं है इसकी, मतलब दो क्लासेस हमारी ऐसी गुजरी हैं कि असाइनमेंट ना होने की वजह से मैंने आगे नहीं पढ़ा। अब देखें ना अभी आप कितने सारे मसले निकल के सामने आ रहे हैं, सब लोग बता रहे हैं, अब ये कुछ जी बोल ही नहीं जी रहते आप। मतलब आपने मुझे सीवी वाले टाइम पे नहीं बताया कि आपसे होस्टिंग का लिंक बन नहीं रहा था, ये आप उस टाइम बताते ना, क्योंकि मैं तो सब लोगों के सवाल का जवाब देने के लिए बैठा हूँ यहाँ पे। तो जी जी बिल्कुल देते हैं सर। अगर ये इस तरह रहेगा ना तो फिर हमें ऐसे बंदे हमें नहीं चाहिए जो इंटरेस्टेड नहीं है या मतलब टाइम नहीं लगाना चाह रहे। या तो आप अभी इसको अभी करें फ़ौरन, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, फ़ौरन हो जाएगा ये। ठीक है सर मैं करता हूँ। अच्छा जी हानिया शुजा आप बताएं जरा। यस सर मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। जी शेयर कर दें। जी हानिया स्क्रीन शेयर आपकी अभी तक हुई नहीं है। पता नहीं क्या डिफॉल्ट आ रहा है, हो नहीं रही। आप मुझे बताएं आपको स्क्रीन के सामने क्या नजर आ रहा है, गाइड कर देता हूं मैं आपको। सर मुझे सबके अब शेयर हुई है। हाँ हो गई हो गई। सर आपको मेरा प्रोजेक्ट नज़र आ रहा है? जी नज़र आ रहा है सर। ये वाला है, ये वाला चेक कर लीजिए, मैंने एक ये बनाया है और दूसरा मनी बॉक्स का बना रही हूँ, एटीएम का बना लिया है लेकिन वो वर्क नहीं कर रहा था, इस पर मैं आपको काम करके दिखा देती हूँ।
ओके सर। देखें ये वाला तो असाइनमेंट तो बहुत पुराना असाइनमेंट है, ये तो पिछला असाइनमेंट है सर। ये पुराने हैं जो मैंने पहले भी सबमिट नहीं कराए थे, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था। एक ये वाला है, अब जो दूसरा है वो मैं आपको दिखा देती हूँ एटीएम का। सर यहाँ पे ये मसला हो रहा है कि पिन एंटर करने पे वो शो नहीं कर रहा है। असल में ये आपको समझ ही नहीं आएगा जब तक आपने पहले वाले असाइनमेंट्स प्रॉपर नहीं बनाए होंगे ना, ये आपको समझ ही नहीं आएगा। जब जो सीवी वाला प्रोजेक्ट था वो आप ज़रा दिखाएं आपने कहाँ सबमिट करवाया है। आप अपना github.com खोलें ना, github.com ज़रा खोल के दिखाएं वहाँ पे क्या सिचुएशन है आपकी। आप अपना github की मुझे प्रोफाइल चेक करवाएं। अपने नाम पे क्लिक कीजिएगा। हाँ जी अशुजा, अपने नाम पे क्लिक कीजिएगा और रिपॉजिटरीज में जाइएगा। उसके बाद सर कहाँ पर? टॉप लेफ्ट। सर मुझे बन नहीं रहा मेरा। टॉप लेफ्ट, टॉप लेफ्ट, ये तो राइट है ना, टॉप लेफ्ट, ये रहा। क्लिक कर दें इसको, रिपॉजिटरीज पे क्लिक कीजिएगा। अब मुझे यहाँ से ना अपना एक एक असाइनमेंट आप दिखाना शुरू करें। सबसे पहला सीवी वाला असाइनमेंट था वो दिखाएं। ये तो है ही नहीं कुछ, बैग आपके खाली पड़ा हुआ है। रिपॉजिटरीज, सीवी वाला असाइनमेंट नहीं आपने नहीं बनाया ना, सीवी वाला नहीं बनाया आप तो। अब आपको मैं ये नए वाले असाइनमेंट का बता के भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो आपको समझ ही नहीं आएगा जो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आपके लिए अब इंस्ट्रक्शन ये है कि आप शुरू से वीडियोस देखें, और आपको मैं ये लाइव क्लासेस से तो एलिमिनेट कर दूंगा क्योंकि आपने कुछ भी नहीं असाइनमेंट बनाया हुआ। तो अब आप वीडियोस देखेंगे। सीवी वाला नहीं है क्योंकि वो वीडियो मैंने देखी नहीं थी, आपने कहा था पुराने वाले वीडियो जो है उनको असाइनमेंट को रहने दो, अभी जो है वाले असाइनमेंट नहीं। तो अभी वाला भी तो आपने नहीं बनाया, आपने दोनों, आपने ना पुराने वाले बनाया ना अभी वाला बनाया, आपने कुछ भी नहीं बनाया। अगर अभी वाला आप कंप्लीट कर लेते तो भी समझ में आता कुछ। सर ये वाला नहीं, ये जो है ES6 कंडीशन वेब फाइल्स एटीएम मशीन वाला। हाँ, इसका होस्टिंग का लिंक आप जनरेट करें और वो उस पर खोल के मुझे भेजें जितना भी बना हुआ है ना। देखिए ना, ये होस्टिंग का लिंक जो जनरेट, ये तो पार्ट था ना असाइनमेंट का, मैंने पहली क्लास में बता दिया था कि एक नहीं किया ना सर, उसकी वजह से शायद नहीं हुआ। नहीं, आप अगर आप मेरी पुरानी वीडियोज़ आप देखेंगी ना तो आप उसमें मैंने कई दफ़ा ये जिक्र किया है कि कोई भी असाइनमेंट आपका उस वक्त तक एक्सेप्टेबल नहीं होगा जब तक आप उसको गिटहब में पुश नहीं कर देते और होस्टिंग का उसका लिंक नहीं जनरेट कर देते। ठीक है, ये पहले दिन ही मैंने ये क्लियर कर दिया था, तो ये आपका असाइनमेंट ना एक्सेप्टेबल नहीं है। सही है, थोड़ा सा टाइम दे दें। अभी मैं क्लास के बाद भी होगा तो मैं फौरन सीवी वाला असाइनमेंट की वीडियो देख के फौरन वो गिटहब में पुश करके आपको सेंड कर दूँगा। हाँ जी, वो आप करें प्लीज़, वो वरना नेक्स्ट क्लास चले सर जैसी आपकी मर्जी, लेकिन प्लीज़ थोड़ा सा टाइम दीजिए। नहीं, ये तो मैंने क्लियरली लास्ट आप दो दिन पहले हुई थी ना लास्ट क्लास आपकी, यानी कल छोड़ के परसों हुई थी लास्ट क्लास आपकी, तो उस क्लास के फौरन बाद मैंने क्लियरली ये लिख कर भेजा था कि ये कोई इसमें जो है ना टॉलरेट नहीं किया जाएगा किसी भी चीज़ को। तो ठीक है, आप कोशिश करें अपने तौर पे पूरी, फिर देखते हैं। अच्छा जी, और किसी के पास कोई प्रॉब्लम, कोई इश्यूज? सर स्क्रीन शेयर कर दूं सर? हाँ जी, स्क्रीन शेयर कर दें। हो गई सर? जी, आपकी स्क्रीन शेयर हो गई है सर। ये प्रॉब्लम दे रहा है सर, अगर इसमें
विड्रॉ करते हैं तो सर। हाँ, रिफ्रेश भी कर लीजिएगा पेज को क्लियर करने के बाद। अच्छा सर। विड्रॉ इज नॉट डिफाइंड, दिखाइएगा अपना कोड मुझे आप सर। अच्छा, ये लाइन नंबर 24 पे जरा कोलैप्स कीजिएगा इसको, लाइन नंबर 24 को। हाँ, यही एरो जो आ रहा था ना उस पर क्लिक करें, लाइन नंबर 24। यस सर, कोलैप्स करें इस लाइन को, लाइन नंबर 24 को कोलैप्स कीजिएगा। लाइन नंबर 24 पे जब आप 25 आ गया, 25 पे जब हाथ रखेंगे छोटा सा एरो बना हुआ होगा, उस एरो पे क्लिक करें सर। ठीक है सर, ये हो गया। ये जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक और दोस्त का भी कोड देखा था, उन्होंने भी बिल्कुल यही गलती की हुई थी और आपने भी यही की हुई है, तो इसका मतलब है आप दोनों ने किसी एक जगह से ही कॉपी किया है। आपने जो विड्रॉ का फंक्शन है ना वो चेक पिन के अंदर बना दिया, ठीक है। ठीक है सर, इसको बाहर निकाल दें सर। जी, विड्रॉ का फंक्शन जो है वो बाहर होगा, चेक पिन के बिल्कुल साथ होगा, वो सिबलिंग होगा। ठीक है सर। इसको सर इधर से कट करके बाहर निकाल दूं सर? हाँ, इसको कट करके बाहर निकालेंगे अब। यस, अच्छा, अब मैं उन लोगों की लिस्ट बनाना शुरू कर रहा हूँ जिन लोगों ने असाइनमेंट सबमिट करवा दिया है और वो एक्सेप्ट हो गया। तो सबसे पहले बिलाल ने लिंक भेजा था। बिलाल, आपका जो लिंक है वो अभी तक उसी तरह है, आपने उसको सही नहीं किया अभी तक। जी रयान सर, मुझे भी एक छोटा सा सवाल पूछना। हाँ जी बिल्कुल पूछें। स्क्रीन शेयर करके? हाँ कर दो, स्क्रीन शेयर कर दो। जी, आपकी स्क्रीन आ चुकी है। जी सर, एक सर, कॉल आए। सर ये इधर जब मैं अमाउंट इधर डाल लाऊं, हाँ, तो ये इधर से कम नहीं हो रही, या नीचे से, जबकि यहाँ कंसोल में सही चल रही है और कोड भी बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। यार, तो वो नीचे से कम तो उस सूरत में होगी ना जब आप नीचे दोबारा से अपडेट करवाएंगे उसको। आपने अपडेट करवाया दोबारा से? जी 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 सर, मैं आपको दिखाऊंगा। हाँ, कोड दिखाऊंगा। विड्रॉ के फंक्शन में चले जाओ डायरेक्ट। जी, ये वाला बन। हाँ, जाओ नीचे जाओ, विड्रॉ के फंक्शन में लास्ट में जाओ। अच्छा, ये फंक्शन के बाहर करवाया सर, ये हो जाएगा ना सर? फंक्शन के बाहर तो वो शुरू में ही चल जाएगा। ये फंक्शन के बाहर जो काम करवाते हैं वो शुरू में ही चल जाता है। अच्छा, फंक्शन चलने पे अगर ये काम दोबारा करवाना है तो फंक्शन में अब शुरू में नहीं चलेगा। शुरू में भी तो चलवाना है ना तुम्हें, चेक करो देखो शुरू में नहीं चलेगा। अब रिफ्रेश करो उसको। मैं वैल्यू गायब हो गई सर। हाँ, शुरू में नहीं चला ना ये, तो ये तो हमें शुरू में भी करना है और फंक्शन के अंदर भी करना है, दो दफ़ा लिखा जाएगा ये। हम नहीं हुई सर।
नहीं हो रही सर कमी इधर भी। ये कॉन्सोल कहाँ से आता है तुम्हारे पास? लाइन नंबर 78 से ये कॉन्सोल आ रहा है, जाना लाइन नंबर 78 में। यस सर। ये तुमने जो रिटर्न लिखा है ना, रिटर्न के बाद वाला कोड तो पड़ेगा ही ना ये। ओ वो कोड नहीं, रिटर्न बहुत नीचे चलेगा। हाँ यहाँ होगा, रिटर्न के बाद जो भी कोड होता है वो उस पर अनरीचेबल कोड का एक वार्निंग भी आ रही होती है। अच्छा हाँ, ये हो गया ना, कम हो गया। सही है सर, हो गया। यही कब से मसला कर रहा था सर। चलो वेल डन यार, इसका भी लिंक ठीक है भेज सर। देना। जी सर, मैं भेज। ओके सर। अच्छा जी, तो अब मैं बना रहा हूँ लिस्ट। सबसे पहले हैं मोहम्मद बिलाल और ये हैं नॉट एक्सेप्टेड। सही है, मोहम्मद बिलाल आपका असाइनमेंट जो है वो एक्सेप्ट नहीं हुआ अभी तक, क्योंकि आपने जो लिंक बना के भेजा है वो वर्क नहीं कर रहा। उसके बाद हैं मोहम्मद अदनान, और इनका भी चेक कर लेते हैं कि ये मोहम्मद अदनान। अच्छा, मोहम्मद अदनान का जो होस्टिंग का लिंक है ना वो नहीं लगा हुआ। मोहम्मद अदनान, क्या आप मौजूद हैं क्लास में? आपका होस्टिंग का लिंक काम नहीं कर रहा। मोहम्मद अदनान, क्या आप मौजूद हैं क्लास में? मोहम्मद बिलाल, आप भी मौजूद नहीं हैं। अच्छा, इसके बाद है मोहम्मद इदरीस। मोहम्मद इदरीस का देख लेते हैं ज़रा, पिन है 1234। क्या था पिन? मोहम्मद इदरीस ने पिन बताया नहीं है। 8112 ट्राई करते हैं। करेक्ट पिन, ओके। कंसोल भी ज़रा खोल के रखते हैं साथ से। 500 सर, लिंक शेयर, आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। अच्छा, शेयर कर देता हूँ। अच्छा, मोहम्मद इदरीस का जो है वो 5112 इनका है पासवर्ड। ओ नहीं, एक मिनट। फाइव वन वन टू कन्फर्म। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद जब मैं यहाँ से 500 विड्रॉ करता हूँ ना, तो ये कम नहीं हो रहा। टोटल अमाउंट में से ये कम होता हुआ मुझे कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा। मैं एक और दफ़ा विड्रॉ करता हूँ, कहीं पे भी ये कम होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, जो कि मैंने असाइनमेंट बताते हुए जो है ना। और ये स्क्रीन पे आपको दिखाना था ये कम होता हुआ। अच्छा, एंटर मोर देन 500। ओके, 1000। कॉन्ग्रेचुलेशन, विड्रॉ 1000, रिमेनिंग बैलेंस इज 49000। 49000, ये कम भी नहीं हो रहा ना, ये 49000 ही रह रहा है। तो मैंने कहा था मैं जितनी बार विड्रॉ करूँ ये उतनी बार कम होना चाहिए। तो मोहम्मद इदरीस जो है इनका भी असाइनमेंट एक्सेप्टेबल नहीं है। नॉट एक्सेप्टेड। मोहम्मद इदरीस क्या मौजूद हैं आप क्लास में?
अच्छा, अब उसके बाद है शेख उबादा, शेख उबादा का देख लेते हैं असाइनमेंट हम। इनकरेक्ट पिन, शेख उबादा ने क्या पिन बताया था, 5112 पिन है इनका। सही है, मस्ट बी 4 डिजिट और मस्ट बी 4 डिजिट 5112 करेक्ट। वेल डन। एंटर मल्टीपल ऑफ 5 लाइक 5, 10, 15। अच्छा मैं यहाँ पे 5 भी लिख सकता हूँ। सही है, कम हो गया ये। और अगर मैं अगर कोई ऐसी बात लिख दूँ मैं कि मैं 6 लिख दूँ अगर यहाँ पे, विड्रॉ तो ये जब भी हो रहा है यार। 5001 अगर मैं विड्रॉ कर दूँ तो, कि जब भी विड्रॉ कर जा रहा है। ये भी असाइनमेंट एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि मैंने आपसे ये बताया था कि अगर वो 500 का मल्टीपल हो, चलें आपने 5, 10, 15 किया ये भी सही है, मतलब 5 का, लेकिन असल में 500 का मल्टीपल करना था क्योंकि ATM में एक्चुअली होता ही है कि 500 से कम का नोट नहीं होता, तो आप 1200 नहीं निकाल सकते, आप जो या तो 1000 निकालेंगे या तो 1500 निकालेंगे। तो अगर आप 1200 एंटर करते हैं तो ATM आपको एरर देता है सामने से, ठीक है। तो इफ़ के ज़रिए ये काम चेक करना था आपने के, लेकिन आपने यहाँ पे जैसे लिखा है ना एंटर मल्टीपल ऑफ 5, अगर ये 5 के मल्टीपल पे भी सही काम कर रहा होता तो ये मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता ना। जैसे 5 यहाँ पे लिखा मैंने तो ये विड्रॉ कर रहा है, लेकिन जब मैं यहाँ पे 6 लिखता हूँ तो भी ये विड्रॉ कर जाता है, 6 लिखता हूँ तो भी मना नहीं कर रहा मुझे ये, ठीक है, मना करना चाहिए था। तो इस वजह से ये असाइनमेंट भी आपका एक्सेप्टेबल नहीं है। शेख उबादा क्या आप मौजूद हैं क्लास में? उसके बाद हमारे पास है फसी, फसी का पिन है 5000। ये भी यार चल रहा है 5004 पे भी चल रहा है ये तो मैंने क्लियरली मेंशन किया था कि आपको ये भी लगाना है चेक कि अगर जो है ना, वैसे तो सही बनाया असाइनमेंट, सब कुछ सही है, नीचे रिमेनिंग अमाउंट भी दिख रहा है और कम होता हुआ भी दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे डेली लिमिट से ऊपर डालता हूँ तो क्या होता है, 19000 मैंने लिखा तो अब मेरी डेली लिमिट 1000 हो गई। यार ये क्या हुआ, ऐसा कैसे हो गया, डेली लिमिट तो ये कुछ और थी, ये क्या हो रहा है, एक मिनट यार, ये तो कोई बहुत ही बड़ा घपला हो रहा है इस कैलकुलेशन में इसकी। फाइव थाउजेंड, अच्छा उसके बाद मैंने अमाउंट लिखा था यहाँ पे 5 5। अब ये रिमेनिंग लिमिट जो है वो 1900 900 है ना, 19900 है। तो अगर मैं यहाँ पे से डायरेक्ट 19000 विड्रॉ कर लेता हूँ, 19000 विड्रॉ कर लेता हूँ तो इसमें 945 बचनी चाहिए लिमिट, लेकिन इससे पहले ये हुआ था कि यहाँ पे 1000 बच गई थी लिमिट, ठीक है। ये 1000, ये तो कैलकुलेशन में ही मिस्टेक है, आपके कैलकुलेशन ही आपकी सही नहीं है, एक ये भी प्रॉब्लम है। वेल ये चलो कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है, आपने शायद पता नहीं सही तरह चेक ना किया हो, लेकिन ये वाला जो केस है ना कि अगर मैं इसमें 300 निकाल रहा हूँ तो भी ये निकल जा रहा है और लिमिट बढ़ती चली जा रही है, डेली लिमिट कम होने के बजाय बढ़ रही है, ये क्या हो रहा है यार। मैं 300 विड्रॉ करता हूँ तो ये बढ़ जाती है लिमिट दोबारा, ये तो नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं जितनी बार विड्रॉ करूँ ये मुझे लिमिट मेरी आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाए और एक पॉइंट पे आके बोले मुझे कि भाई अब आप मज़ीद विड्रॉ नहीं कर सकते, ये चाहिए था हमें, ठीक है जी। तो फसी अहमद आपका भी असाइनमेंट एक्सेप्टेबल नहीं है।
अच्छा उसके बाद है हसन शान, हसन शान 1212। अच्छा ये विड्रॉ हो गया, बस अब मज़ीद विड्रॉ नहीं कर सकता मैं। अगर मैं मज़ीद विड्रॉ करूँ अगर यहाँ से, अच्छा इसमें मैं मज़ीद विड्रॉ नहीं कर पा रहा, 49,000 हो गया। अच्छा कंफर्म, और मज़ीद 500 करूँ अगर तो 48। वेल डन यार, ये तो सही बिल्कुल आपने बनाया है हसन शान, आपका असाइनमेंट जो है वो मुझे लग रहा है एक्सेप्ट हो जाएगा। अब अगर एक चीज़ सिर्फ आपने अगर 300 वाला चेक लगाया हो ना, अरे ये आपने भी नहीं लगाया, लेकिन स्टिल काफ़ी अच्छा आपने बनाया है। मतलब हर दफ़ा अमाउंट निकालने के लिए पिन अगेन एंटर करनी पड़ रही है, लेकिन 800 भी विड्रॉ हो जा रहा है, तो आपकी असाइनमेंट में भी इसको कंप्लीट कंसिडर नहीं करूँगा मैं। ये कंप्लीट नहीं है लेकिन अच्छा बनाया आपने। नॉट एक्सेप्टेड हसन शान। हसन शान क्या मौजूद है आप क्लास में? मोहम्मद नदीम, सर मुझे समझ नहीं आ रहा कोड पुश, ये मोहम्मद नदीम आपका कोड पुश हो गया था, वो आपने अगर होस्टिंग वाला लिंक बना लिया तो ज़रा वो भेज दें प्लीज़, ताकि उसको कंसिडर कर लिया जाए फिर। शहजाद उस्मान, ये जो आपने लिंक भेजा है भाई ये एक्सेप्टेबल नहीं है, होस्टिंग वाला लिंक चाहिए था हमें। अच्छा सर, सर्व वाला सर्व पे जो मैंने पब्लिश किया ना सर, उसको इसका नॉट फाउंड आ रहा है सर वो। क्या कह रहे हैं आप, समझा नहीं मैं। सर मैंने वो सर्ग पर मैंने पुश किया था, लेकिन सर उसका नॉट फाउंड आ रहा, लिंक ना ओपन नहीं हो रहा उसका सर्ग पर। अच्छा नहीं, लिंक ओपन नहीं हो रहा तो कुछ एरर तो आ रहा होगा ना जी। एरर सर, मैंने जो प्रोजेक्ट बनाया था ना एटीएम वाला सर, हाँ उसमें मैंने ना सीडीएम एंटर करके उसी में सर्ग को इंस्टॉल किया सर। अच्छा चलें अपना वो ज़रा मुझे वो भेज दें, वो स्क्रीन अपनी दिखा दें मुझे कि आपके पास क्या प्रॉब्लम, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आपको प्रॉब्लम आ क्या रही है असल में। जी जी बिल्कुल। सर ये स्क्रीन शेयर हो रही है आपको? एक मिनट, जी आपकी स्क्रीन शेयर हो गई है, बताएं। जी स्क्रीन शेयर हो रही है आपकी, बताएं। जी नदीम आपकी आवाज़ आना बंद हो गई है। जी सर मैं कह रहा हूँ सर, ये मैंने पब्लिश कर दिया और इस लिंक, ये लिंक भी क्रिएट हो गया, मतलब इसका जो होस्ट है इसको होस्ट कर दिया, लेकिन ये इसका ना नॉट फाउंड आ रहा है, लिंक जो है ना ओपन नहीं हो रहा। यार मैंने तो आपको आसान तरीका बताया है होस्टिंग का गिटहब पेजेस में, आप वो आसान तरीका छोड़ के आप दूसरे दूसरी चीज़ों में पढ़ रहे हैं, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आप वो तो पहले करें ना एज़ इट इज़। ये सर्च वगैरह ये बाद में आप सीखते रहिएगा, ये अगर आपको पहले से आता है तो फिर वो अलग बात है, लेकिन आप कह रहे हैं आपको आ भी नहीं रहा। नहीं आता तो नहीं सर, वो मैंने लेक्चर नहीं लिया था सर, जो आपने ना सर पर जो ना डिप्लॉयमेंट करना था वो उसका। हाँ तो मतलब लेक्चर नहीं लिया। आपने लेक्चर नहीं लिया था मतलब आप सीरियस नहीं है ना, आपके पास टाइम नहीं है।
नहीं, टाइम है सर, लेकिन सर असल मसला ये आया था कि साथ साथ चलते रहे, साथ साथ प्रेशर प्रेशर होती रहती सर, वो ना कंटिन्यू होता रहता है और प्रोजेक्ट भी यार आप क्रिएट होते रहते हैं। नहीं, ऐसा ये एक्सेप्टेबल नहीं है। देखें, आपकी वजह से ना जो दूसरे स्टूडेंट हैं जो पढ़ने के मूड में, मैंने 2 क्लासें कैंसिल की हैं, मतलब आप लोगों के असाइनमेंट ना सबमिशन आने की वजह से मैंने 2 क्लासें कैंसिल की हैं। तो आप ना मेरे टाइम को वैल्यू दे रहे हैं, ना दूसरे स्टूडेंट जो आपके साथ हैं उसके टाइम को वैल्यू दे रहे हैं आप। तो आपने वो नहीं किया ना जो मैंने बताया था, वो आपने सुना ही नहीं है, आपके पास टाइम ही नहीं है। तो आपको क्लास से एलिमिनेट कर रहा हूँ मैं, ठीक। और आप लेक्चर्स आपको मिलते रहेंगे, रिकॉर्डिंग्स आप अभी भी तो रिकॉर्डिंग्स ही देखेंगे ना आप, तो वो रिकॉर्डिंग्स आपको मिलती रहेंगी, लेकिन लाइव क्लास में आपको आने की इजाज़त नहीं होगी। अब नहीं, सॉरी सर, मैं ट्राई कर रहा हूँ सर, अगर बनता है मैं आपको सेंड कर देता हूँ। हाँ, ट्राई करें अभी आप, अभी आज की क्लास मैं जब तक यहाँ पे मौजूद हूँ, जब तक आपके सारे एरर सॉल्व नहीं हो जाते ना, मैं आज जब तक यहाँ पे मौजूद हूँ, ठीक है। लेकिन ये आपने अगर वो लेक्चर ही नहीं लिया तो फिर तो मकसद ही फौत हो जाएगा ना, फिर मैं आपकी क्या हेल्प करूँगा आपको। मैं जो पिछले अभी देखें, हमें तकरीबन हमने 12-13 क्लासेस कर ली हैं, अब वो 12-13 क्लासेस की चीज़ें मैं पढ़ा तो नहीं ना आपको सकता दोबारा, मैं हेल्प कर सकता हूँ आपकी अगर आप कहीं स्टक हैं तो। ठीक है सर। अच्छा जी, हमारे पास रोशन अली ने असाइनमेंट सबमिट कराया। रोशन अली क्या मौजूद हैं आप क्लास में? अस्सलाम वालेकुम जी, मौजूद हूँ। वालेकुम अस्सलाम। यार रोशन अली, आप वो पहले स्टूडेंट हैं जिसका असाइनमेंट एक्सेप्ट हो गया है। तो बस आपको ही मैं ये फीडबैक देना चाहूँगा कि ये जो मैसेज आपका यहाँ आता है ना कॉन्सोल पे, इसको बस आप ना स्क्रीन पे दिखा दीजिएगा, क्योंकि ना ये कॉन्सोल सिर्फ डेवलपर्स के लिए होता है। तो अगर कोई बंदा ना नॉर्मली यहाँ पे आके अगर लिखता है 502 लिखता है और यहाँ पे विड्रॉ का बटन दबाता है, तो उसको कुछ भी, उसको वो ब्लैंक हो रहा है ना, उसको कुछ पता नहीं चलता। तो जस्ट आपको ये फीडबैक देना चाहूँगा मैं कि ये एरर का मैसेज ना यहाँ पे या नीचे या किसी साइड पे कहीं जगह पे आ रहा हो। कॉन्सोल डेवलपर, ये डेवलपर कॉन्सोल सिर्फ डेवलपर खोल के देखते हैं, आम लोग इसको नहीं खोल के देखते। सही है, बाकी ये आपने बहुत अच्छा असाइनमेंट बनाया है, वेल डन। सही है, थैंक यू। अच्छा जी, ईमान सफदर, आपने भी असाइनमेंट बड़ा अच्छा बनाया है, लेकिन आपने ये चेक नहीं लगाया। ये जितना कोड आपने लिखा है ये तो मैंने क्लास में वैसे ही करवा दिया था, तो ये चेक लगाने के लिए मैंने कहा था कि 500 का मल्टीपल ही बंदा लिखे तो ही एक्सेप्ट हो, अदरवाइज़ ना हो। और लेकिन आपने वो चेक नहीं लगाया, तो ओके। और दूसरा ये कि आपका ये लेस भी नहीं हो रहा है यहाँ से। अगर मैं 19,000 कर चुका हूँ और मैं फिर मज़ीद 500 निकालता हूँ तो ये उल्टा बढ़ जा रहा है कम होने के बजाय। तो मैंने ये कहा था कि मैं विड्रॉ करता जाऊं तो वो कम भी होता जाए पीछे मनी बॉक्स में से, और एक पॉइंट पे आके मुझे बोले वो कि बस अब आप मज़ीद विड्रॉ नहीं कर सकते। तो ये 2 चीज़ें आपके असाइनमेंट में कम है, तो ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है आपका असाइनमेंट। ईमान सफदर के बाद, अच्छा ये तो हानिया शुजा है ना। अच्छा रयान, रयान की तुम्हारा पिन क्या है? 6 डिजिट का तुमने पिन लगाया है? सर ये मैं दूसरा वाला लिंक भेजता हूँ, ये पुराना वाला है सर। अच्छा
ये भेज दिया दूसरा वाला भी, N11223। नहीं ये तो गिटहब पेजेस में था ना, ये तो सेम पे ही चेंज हो जाता है, ये नया थोड़ी है। गिटहब पेज सही है, सही है, तो पुराने वाले में यही लगेगा। सही है। अच्छा अब मैं अमाउंट एंटर करूँगा यहाँ पे 500 सक्सेसफुली, मज़ीद 500 500। सही है यार, वेल डन, सही है यार, बहुत ज़बरदस्त। बस इतनी सी बात थी, रियान ने देखो बना लिया। अब देखें जितने भी स्टूडेंट क्लास में मौजूद है ना, मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि अब देखें रियान है ना, ये इन्होंने मुझे पता है पहले ही बना लिया होगा, तो अब मतलब ब्राइट स्टूडेंट हैं ये, टाइम लगा रहे हैं, मेहनत करने के लिए तैयार हैं, तो इन्होंने वो पहले ही बना लिया होगा। अब बिल्कुल सही, परफेक्ट काम कर रहा है जैसा काम करना चाहिए। मैं 400 एंटर करता हूँ, एरर दे देता है मुझे कि भाई मल्टीपल 500 का मल्टीपल होना चाहिए। मैं 600 कहता हूँ तो भी इसको रोक देना चाहिए कि भाई 500 1000 ये होना चाहिए। मैं 1000 विड्रॉ करता हूँ और नीचे से 1000 माइनस हो जाते हैं सब जगह से। अब मेरे पास कार्ड की लिमिट है 49000, मैं 49000 जब निकाल लेता हूँ वन से तो वो फिर मज़ीद मुझे निकाल लेना दे, ज़ीरो हो गई लिमिट मेरी अब, ठीक है। अब मैं अगर 500 भी निकालूंगा तो ये मुझे निकालने नहीं देगा कि भाई आपकी कार्ड की लिमिट ख़त्म हो गई है। सही है यार, वेल डन, बहुत ज़बरदस्त। हमारे पास अभी तक 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका एक्सेप्ट हुआ है असाइनमेंट। अच्छा अब हमारे पास है दानियाल हसन, यार ये तो पिन गलत में भी बता नहीं रहा, ये क्या चक्कर है? दानियाल हसन आपने पिन वैसे यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन इसको बताना चाहिए कि पिन गलत है। जब मैं पिन एंटर करता हूँ तो इसको बताना चाहिए। मैं सोर्स में से जाके देख लेता हूँ खुद ही कि पिन आपने क्या सेट किया हुआ है। अच्छा आपने 5112 ही पिन सेट किया हुआ है, ओके वन टू थ्री फोर आपने पिन सेट किया हुआ है और नॉट इक्वल टू पे आपने 5112 लगाया है। वाह यार ये तो यहीं से ही समझ आ गया कि आपने क्या कोड लिखा है, आपका कोड इनकम्प्लीट है, कोड ही इनकम्प्लीट है आपका, आपका कोड ही इनकम्प्लीट है, नॉट एक्सेप्टेड दानियाल हसन, नॉट एक्सेप्टेड। अच्छा हमारे पास अभी तक रोशन अली और रयान, ये 2 लोग ऐसे हैं जिनका असाइनमेंट जो है वो एक्सेप्ट हो गया, तो मैं इन दोनों का नाम ज़रा सेपरेट कर लेता हूँ। अच्छा मोहम्मद हमायों ने भी अभी अपना ये भेज दिया है कोड। मोहम्मद हमायों आपका ये होस्टिंग वाला लिंक आपने नहीं बनाया, बग़ैर होस्टिंग के लिंक की एक्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है। और मैं वैसे भी आपके कोड में देख लेता हूँ आपने क्या किया हुआ जी। मोहम्मद हमायों ओके गॉट इट।
अच्छा मेरे पास ना यहाँ पे अकाउंट बैलेंस शो हो रहा है 47,000 राइट, और मैं विड्रॉ कर रहा हूँ अगर 20,000 तो मेरे पास वो विड्रॉ नहीं करने दे रहा मुझे, ये क्या चक्कर है यार, ऐसा क्यों हो रहा है? मैं अगर पूरे 50,000 विड्रॉ करता हूँ, बल्कि 500,000 लिखे हैं ये, अगर मैं पूरे विड्रॉ करता हूँ तो मुझे ये कह रहा है कि ATM मशीन में सफिशेंट फ़ंड नहीं है, तो वो ATM मशीन में जितना फ़ंड है ना वो मुझे स्क्रीन पे भी नज़र आना चाहिए, ना मुझे कॉन्सोल में वो दिख रहा है ना मुझे स्क्रीन पे दिख रहा है, लेकिन स्टिल अगर मैं 500 या 5,000 अगर मैं विड्रॉ करता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, अच्छा इस पॉइंट पे आके ATM में मशीन का फ़ंड ख़त्म हो गया, सही है, बनाया तो आपने बहुत अच्छा है, उसको बस स्क्रीन पे आपने डिस्प्ले नहीं करवाया हुआ, उसको स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा दें आपका असाइनमेंट एक्सेप्ट हो जाएगा। 5,001 अगर मैं करता हूँ तो मल्टीपल ऑफ 5 होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 5 मतलब 5,005, सही है, आपने चेक भी लगाया हुआ है, सब कुछ लगाया हुआ है, अमाउंट आपका जो है वो कम भी हो रहा है नीचे से। हाँ तो हमायूं ये जो डेली लिमिट है और जो मशीन के अंदर जितने पैसे हैं वो तीनों चीज़ें ना मुझे स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा दो अभी 5 मिनट के अंदर, आपका असाइनमेंट एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है, जो पीछे कर ही रहे होगे ना जो वेरिएबल में तुम माइनस करते जा रहे हो वो वेरिएबल स्क्रीन पर जस्ट डिस्प्ले करवा दो तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा तुम्हारा असाइनमेंट। सर मैं मनी बॉक्स का बना रही हूँ, क्या उसे चेक कर लेंगे? अभी बना तो नहीं लिया ना आपने? अगर बना लिया तो मैं चेक कर लूँगा, बिल्कुल बना लिया है मैंने, पूरा बना लिया। अच्छा ठीक है तो दिखा दें मुझे। जी शेयर कर दें, होस्टिंग वाला लिंक शेयर करें आप, होस्टिंग वाला जो लिंक है ना आपका आप वो शेयर करें। वही तो समझ नहीं आ रहा होस्टिंग वाला लिंक क्या, मतलब कोई कोड था, मैंने वो वीडियो नहीं देखी है। नहीं आपने फिर लाइव क्लासेस भी नहीं ली ना, वीडियो तो जब देखने की नौबत आती है जब आपने लाइव क्लास बिल्कुल ही ना ली हो। असल में देखें वीडियो जो मैं भेज रहा होता हूँ ना रिकॉर्डिंग, वो इसलिए नहीं होता कि आप वो आराम से वीडियो देखें घर पे बैठ के, वो तो मैंने लोगों की रिक्वेस्ट पे ये शुरू किया है कि हाँ यार चलो ठीक है मैं रिकॉर्डिंग्स भी दे दिया करूँगा कि जस्ट इन केस अगर किसी की क्लास मिस हो जाए तो वो वीडियो देख लें। अब आप अगर पूरी तरह से वीडियो पे बेस कर रहे हैं ना तो फिर आपको वीडियो मिलती रहेगी, आप बेफिक्र हो जाएं, आप आराम से वीडियो देख के वो करते रहिएगा, ठीक है? तो मतलब इसका ये है कि वो आप वीडियो को ही आपने मेन समझा है ना, मतलब लाइव क्लासेस की आप वैल्यू ही नहीं है आपके नज़दीक कोई। नो सर, लाइव क्लास की वैल्यू है, आई एम सॉरी, बट मैं अभी ना आपको जो बनाया है ना वो दिखा देती हूं, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, एक तो बन गया था बहुत अच्छा यार, इतने सारे स्टूडेंट देखें क्लास में, अब ये चैट आपको भी दिख रही है ना, ये कोई प्राइवेट चैट तो नहीं है, ये आपको भी दिख रही है, ये इतने सारे स्टूडेंट जो लिंक भेज रहे हैं आप इसको क्लिक करें ना, देखें सब लोगों ने लिंक बनाया हुआ है, तो जब इतने सारे लोगों ने बना लिया है तो वो आपसे भी बन जाना चाहिए, मतलब इतने मैंने सिर्फ 2 लोगों का एक्सेप्ट किया असाइनमेंट, बाकियों का तो एक्सेप्ट, तो इतने सारे लोगों का एक्सेप्ट नहीं हुआ है, इनको भी लिंक बनाना एटलीस्ट आता है, क्योंकि वो सबसे पहला असाइनमेंट था, सबसे पहले असाइनमेंट में ये मैंने आपको सिखा दिया था, और यही वजह है देखें अब जो मैं आपसे कहता हूँ ना हमेशा कि अगर जो अभी असाइनमेंट मैंने दिया है अगर वो आपने नहीं बनाया तो इसके बाद वाली क्लास आपको समझ ही नहीं आएगी। अब देखें जो ये जो अभी ATM मशीन वाला असाइनमेंट है ये वैसे तो मैं कह रहा हूँ कि अभी वाला है, लेकिन आपने जो पिछला क्यों के नहीं बनाया तो आपको होस्टिंग का लिंक ही नहीं बनाना आ रहा, तो अब समझ आ रहा है ये मैं क्यों इतना ज़ोर देता हूँ। अब मैं आगे पढ़ाऊँगा ना, अगर मैं आज आगे पढ़ा देता तो ये वो सारे लोग जिनका ये एक्सेप्ट नहीं हुआ ना असाइनमेंट, इनको समझ ही नहीं आता कि मैंने क्या पढ़ाया, और ये मुझे ना, मुझे तो पता चल रहा होता है ना कि हाँ यार बच्चों को नहीं समझ आ रहा, तो मुझे ना एंजाइटी उठती है, फिर मुझे ना मतलब मेरा दिमाग ख़राब होता है कि यार मैं क्योंकि मेरे वर्ड्स की मुझे लगता है वैल्यू है थोड़ी बहुत कुछ ना कुछ, तो मुझे लगता है कि यार मैं दीवार से सर मार रहा हूँ ना, तो ये वाली फीलिंग से बचने के लिए मैं फिर कुछ तो करूँगा ना मैं फिर। तो आप उसको देखें, आप वीडियोज़ देखें आप, और वीडियोज़ देख के आप बनाएं, ठीक है, इंशाल्लाह फिर नहीं हो रहा सर।
मोहम्मद नदीम जी सर, सर मैंने रिपोजिटरी का जो लिंक है ना गिटहब का वो आपको सेंड कर दिया, लेकिन सर सर्क पर मैं डिप्लॉय नहीं हो रहा सर, उन्होंने लेक्चर नहीं लिया था इसलिए सर मुझे पता नहीं चल रहा। कंट्री सर अगर थोड़ा सा बता दें तो मैं आइडिया हो जाएगा। नहीं यार ये असल में मसला यही है ना, मुझे ऐसे वाले बंदे मुझे चाहिए नहीं अपनी क्लास में, जो अभी आप बता रहे हैं कि मैंने लेक्चर नहीं लिया था। पिछले दो दफ़ा दो क्लासेस मैंने कैंसिल की हैं आप लोगों की वजह से कि यार पता नहीं कोई स्टक होगा कहीं पे बन नहीं पा रहा होगा, और अभी आप मुझे कह रहे हैं आपने लेक्चर देखा ही नहीं है सिरे से, तो ये तो सर अगर फर्स्ट टाइम मैं स्टक कर रहा हूँ, लेकिन सर अगर मुझे पता होता सर मैं लिंक क्रिएट कर लेता सर। नहीं ये तो मैंने शुरू में ही बता दिया था कि असाइनमेंट्स दूंगा मैं आपको हर एक दो क्लास के बाद, और वो आपको बनाना होगा जी। तो क्योंकि देखें मैंने शुरू में जब कोर्स शुरू होने से पहले मैंने हर किसी से यही कहा है, आप तमाम लोगों से मैंने यही कहा है कि ये कोर्स जब आप करेंगे ना तो इस कोर्स के कंप्लीट होने पे आपको जॉब मिल जाएगी जूनियर डेवलपर की। तो आप तो फिर अभी तो आप कह रहे हैं ना एक्सक्यूज़ कर रहे हैं मुझसे, कोर्स कम्प्लीट होने के बाद आप मुझसे कहेंगे कि सर आपने तो कहा था जॉब मिल जाएगी, जॉब कहाँ है? तो भाई बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इतना आसान काम नहीं है, मुश्किल काम है जब भी पैसे हैं। तो आप अगर इस फील्ड में आ गए हैं अगर तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार नहीं है तो ये फील्ड आपके लिए नहीं है फिर जी। सर कंट्री अगर फर्स्ट टाइम बता दें सर। अब मैं यही कर सकता हूँ कि मैं नेक्स्ट क्लास तक आपको मज़ीद टाइम दे दूँ जी। ठीक है सर, वही तो कह रहा हूँ सर, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं आपको इसका लिंक आपको सेंड कर दूँगा। अच्छा ये जितने लोग अभी क्लास में मौजूद है ना राइट नाउ, मैं इसका एक स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, ये जितने लोग अभी क्लास में मौजूद हैं मैं इसका एक स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ यहाँ पे, इन लोगों को जो है सर मैं नेक्स्ट क्लास तक जो है वो टाइम दे रहा हूँ जी। ठीक है ठीक है, बस फिर मिलते हैं, नहीं अगली क्लास में मिलते हैं। ठीक है चलो भाइयों अल्लाह हाफिज। सर जी एक बार मेरा ये कोड चेक कर ले, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, कोई प्रॉब्लम हो तो फिर मुझे अभी बता जी। शेयर कर दें, शेयर कर दें। स्क्रीन शेयर आपकी हुई नहीं अभी तक। सर ये लैपटॉप में कुछ हैंग हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, इससे भी देर हो रही है। नो प्रॉब्लम, आराम से कर लो। ये तो कोड में काफी सारे एरर्स हैं ना नीचे, इन एरर्स को भी तो रिजॉल्व करती हूँ। आपके जाने से पहले मैं दिखा दूँ कि मैं काम कर ही रही थी सर बस। हाँ नहीं अच्छी बात है, आप मेहनत कर रही हैं, बस ये मेहनत आपको और पहले करनी थी तो अभी आप कहीं और होती हैं। इंशाल्लाह सर अभी भी टाइम है, आपने दिया है ना जी। बिल्कुल, मैंने जो लोग अभी क्लास में इस वक्त राइट नाउ मौजूद हैं उनको मैंने टाइम दिया है नेक्स्ट क्लास तक, यानी अच्छा नेक्स्ट क्लास अभी मैं वो ग्रुप में अपडेट दे दूंगा, वो पूरा मैं डिटेल से बता दूंगा कि अब मज़ीद जो मैंने टाइम दिया उसका क्या क्राइटेरिया है। वो असल में नेक्स्ट क्लास में ना हम ये नहीं कर सकते, देखें आज ये तीसरी क्लास है जो हमने पढ़ाई नहीं की मज़ीद आगे, ये तीसरी क्लास है आज। तो अब जो कल आने वाली जो क्लास होगी ना नेक्स्ट, वो चौथी क्लास होगी, तो मैं उस चौथी क्लास में मैं आगे पढ़ाई करूँगा, ये मैं रुकूँगा नहीं आपकी वजह से। तो क्राइटेरिया ये होगा कि आपको क्लास से तकरीबन एक घंटे पहले जो है ना मैं आ जाऊँगा इधर ये इसी मीटिंग में ऑनलाइन, एक घंटे पहले, और एक घंटे पहले ये सारे हम काम करेंगे जो भी करना है, और जिसका एक्सेप्ट होगा असाइनमेंट वही फिर लाइव क्लास में रहेगा, बाकियों को मैं और जो अभी क्लास में मौजूद नहीं है ना और जिन्होंने असाइनमेंट सबमिट करवाने की कोशिश भी नहीं की उनको तो मैं अभी रिमूव कर रहा हूँ, उनके लिए तो कोई चांस नहीं है, कोई मोहलत नहीं है। ठीक है, तो बस ये मैंने देख लिया, आप मेहनत कर रही हैं अच्छी बात है, और मेहनत करें आप,
मेहनत हमेशा आपकी रंग लाती है इंशाल्लाह, कोई ऐसी बात नहीं है। चलें, अल्लाह हाफिज़।